रंजन सरवरिया आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शीतलहर के चलते जनसुनवाई रही फीकी। बरागुदा महामहोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से। पति पत्नी में विवाद, बच्चे ने खोला राज। अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में 5 घायल। दमो सागर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां बाइक सवार पहले बस से टकराया और उसके बाद एक 4-व्हीलर से जा टकराया। गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमो सागर स्टेट हाईवे पर बांसा पेट्रोल पंप के समीप की एक घटना जहां पर बाइक सवार पहले एक ट्रक से टकराया और उसके बाद वह 4-व्हीलर से भी टकरा गया। गंभीर चोट आई, स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल ही उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। पहले ट्रक में गाड़ी घली हुई है, उसके बाद ट्रक में घलने के बाद 4-व्हीलर में घली हुई है। ट्रक से जैसे ही गाड़ी फिकी हुई फिर आके 4-व्हीलर में घली। तो हम लोगों ने उठा के इनको घटनास्थल से दमोह लाए। कौन है आपके? हमारे तो कोई नहीं है रिलेटिव में। ये क्या होता है कि अपने जैसे सामने कोई घटना हो तो अपन उनको लेके आते हैं, अपना एक धर्म बनता है। जानते हैं आप इनको? नहीं, अभी बाद में पता चला है कि ये वर्धारी के सौरभ पटेल है। सौरभ जी? जी, बाद में पता चला। किस जगह की घटना है ये? बांसा पेट्रोल पंप। कब की घटना है? अभी वह लेके ही आए हम लोग। आपका नाम? दुर्गेश ठाकुर। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, सभा। दमोह कलेक्टर एस के सिंह चेतन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। लगातार मांग की जा रही थी कि दमोह में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा, तापमान में गिरावट देखी जा रही, घना कोहरे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि तमाम कक्षाएं सुबह से संचालित होती हैं। ऐसे में दमोह कलेक्टर एस के सिंह चेतन के द्वारा उचित कदम उठाते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। स्टाफ यथावत स्कूल जाता रहेगा जबकि बच्चों की 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी 3 दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। संपूर्ण प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में, विशेष रूप से 9 जिले। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर डाउन है उसी तरह से जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या काफी कम रही। काफी कम आवेदक आज कलेक्ट्रेट पहुंचे जिनके द्वारा जन सुनवाई में अपने आवेदन सौंपे गए। दमो कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़ के द्वारा ये जन सुनवाई की गई। कौन सी
केस करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। हां तो जांच भर के लाना है, लिखित जांच करेंगे आप सिविल सिविल कोर्ट में जाके केस करो। हां तो कोर्ट जाना पड़ेगा, हां कोर्ट में जाना है। मामला हो गया मतलब टाइम वेस्ट करना है उसमें, डायरेक्टली सिविल कोर्ट की साथ का मामला है। उसका अच्छा खसरा ये सब है, जिससे खरीदा है वही व्यक्ति भूमि स्वामी है, तो समझ सकते हैं। और उसके बाद वो होते ही नामांतरण के लिए तहसील कोर्ट में लगा, ठीक है वो कर। इस बात के लिए बिजली सत्ता बिजली आपका कटा, सबकी कटी, क्यों कटी है? पैसे तो डायरेक्ट क्यों संजय सरवरिया लकी डीसीएन न्यूज। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर चल रहे 19वां दिन है, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया। टेम्परेचर भले ही कम हो लेकिन इनके हौसले कम नहीं है। लगातार बड़ी संख्या में पंडाल में ये लोग मौजूद रहते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो ठंड में भी आंदोलन कर रहे हैं और लगातार धरना स्थल पर मौजूद है। क्या कहना है इनका, आइए सुन लेते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी निरंतर, आज 20वां दिवस है हमारी हड़ताल का, और हम निरंतर मामा जी से केवल एक ही हमारी जो मुख्य रूप से मांग है कि हम संविदा कर्मचारी विगत 15 से 20 वर्षों से अपने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सरकार जो मध्य प्रदेश के निवासी सबको सेवा प्रदान कर रहे हैं, मगर हमारी एक जो मांग जो नियोजित मांग है कि 5 जून 2018 की जो नीति बनाई थी वो मामा जी क्यों नहीं लागू कर पा रहे, हमें समझ नहीं पा रहे हैं। मामा जी से बार बार गुहार लगा रहे कि वो 5 जून 2018 की हम पर नीति लागू करिए ताकि हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो सके और हम भी कुछ अपना जीवन का सही तरीके से निर्वहन कर सके। कब तक हम संविदा पर रहेंगे, कब तक हम इस प्रकार शोषण की नीति का को झेलते रहेंगे। मामा जी हमारी आप मांग मानिए और हमें नियमित करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका सहयोग के लिए हम हैं, मगर हमारी मांग को पूरा करिए, जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करिए। अभी संविदा कर्मी जो है एक नई एक्टिविटी करना चाहते हैं ताकि सरकार का ध्यान हम पे आकर्षित हो, इससे उनको ये जानकारी मिलेगी कितनी इन संविदा कर्मियों ने मतलब अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धाओं की तरह मतलब काम किया कोरोना के समय, और ऐसा मतलब अपनी जान को हमेशा जोखिम में, कई लोग पॉजिटिव भी हुए, कई लोग हम लोग को छोड़ के भी चले गए हैं, इसके बाद भी सरकार को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, और हर बार आश्वासन से ही हम लोगों को मतलब टाल देते हैं कि हाँ आप हड़ताल बंद करिए, हम कुछ दिन में आप लोगों को कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अच्छा करती नहीं है। तो आज हम सरकार रूपी जो कुंभकर्ण जो सोया हुआ है हम सब उसको जगाने की कोशिश करेंगे, और आज हम ऐसा करके जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि सरकार हम लोगों की बात सुने और हम लोग को नियमित करे, और नियमित करेगी तो हम लोग जब नियमित की तरह और नियमित से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम उतना पेमेंट पाने के हकदार हैं, और हमें हमारा हक जो है चाहिए हम, जिसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और संघर्षरत हैं। हम अपने जैसे अपने कर्तव्य स्थल पे बड़ी ईमानदारी से कार्य करते हैं, ऐसे ही आज हम अपने हक को मांगने के लिए यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। संजय सरवरिया लकी डीसीएन न्यूज़। दबाव दमोह क्रिसमस मंडी में कई महिलाएं ऐसी हैं जो बरसों से झाड़ू लगाकर यहां जो दाना निकलता है उसे इकट्ठा करती हैं और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। पिछले 25 वर्षों से ये प्रथा जारी है, दाना प्रथा इसे कहा जाता है। अब मंडी का जो स्टाफ है इस प्रथा पर रोक लगाना चाहता है, जिसके चलते महिलाओं को काम कराना बंद कर दिया गया है।
जिसके चलते महिलाओं के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि उन्हें इस काम से वंचित न किया जाए। काफी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। इस संबंध में जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कमल ठाकुर के द्वारा बताया गया। मंडी प्रांगण में ये सारी महिलाएं विधवा है, कुछ ये झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई भी करती हैं और जो भी उसमें दाना मिलता है वो छान छून के उनको बेच लेती हैं। तो मंडी प्रांगण के अंदर जो भी सचिव है या गार्ड है ये मना करते हैं कि तुम लोग मंडी के अंदर ना आओ, जबकि ये 25 साल से मतलब मंडी में काम कर रही हैं। और एक मंडी नहीं, जितनी मंडी है सभी मंडियों में महिलाएं करती हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन था मेरा कि इनको यथावत मंडी में जाने के लिए सुचारू रूप से जा सके, कोई आपत्ति न रहे। वही महिलाओं के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। नाम संतोष रानी गंगपुरा, जो मंडी में जिन से मंडी आई है सर, आज के 25 साल हुए काम करते हो, तो अब हम कोई जरिए ही नहीं है काम करने को। अब जे लोग मंडी वाले हम और कछु किचड़ हो गई तो हम लोग को भगा रहा है, यहाँ से गार्डों से भगवा रहा है और डग गया रहा पुलिस के, हम भगा रहे थे कि निकलो तैसे, कोई नहीं झाड़ सकती है तुम। अब हमारे का कर रहे हैं, हमारे बूढ़े हो गए, अब हमारे इतने दिन हो गए कहते हैं 30 साल हो गए, हम कोई जरिए ही नहीं है, और नीचे दाना गिर जाता है तो वही उठाते, हम किसी की चोरी नहीं करती है, हम तो जो धरती में तो पड़ा है वही झाड़ते हैं और वही छान चुन के घर पे ले आते हैं वही हम। अच्छा, आप लोग मंडी में काम करती हैं, कुछ पैसा वगैरह भी मिलता है आप? हम जिसकी झाड़ू लगाते हैं तो वो हमें 10-5 रुपया देते हैं, ढेरी पे बारह फेरते हैं, उसको साफ करते हैं और जमीन झाड़ के जब तुम्हारी ढेरी करते हैं, हम तुम्हारी ढेरी झाड़ के हमें 10 रुपया 5 रुपया 15 रुपया इतने देते हैं, 20 रुपया किसान खुश होकर देता है, उसको काम करते हैं तो हमें खुश होकर देते हैं। तो हमें हमारी जन निवेदन है आपसे कि हमें जाको ताम जो काम पे हम लगे थे, हमारे जाको ताम रोजी रोटी। मंडी प्रांगण से तो कुछ नहीं मिलता आपको? नहीं, कुछ 1 रुपया नहीं मिलता हमको। सबसे बड़ी संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। हटाके गौरीशंकर बाट में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जानी है। कई लोगों को नोटिस दिया जा चुके हैं जिसके चलते लगातार बाटवासी सड़कों पर हैं। पहले हटा में इनके द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया था और मांग की गई थी कि नहीं जब पट्टे हैं लगातार ये जुर्माने की राशि भी जमा करते थे, ऐसे में इन्हें जमीन से बेदखल न किया जाए। अब ये दमो पहुंचे हैं। दमो कलेक्टर एस के चेतन के नाम इनके द्वारा पत्र सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि यहाँ जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होने वाली है उस पर रोक लगाई। हटा से आए हुए हैं। हटा में हमारा गौरीशंकर वार्ड है जो करीब 1000 मकान हैं और करीब 6-7 महीने से शासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं कि ये मकान गिराया जाना है। चूँकि उन मकानों को शासन ने हम लोगों को पहले पट्टे दिए थे और आज शासन कह रही गिराना है। अब ये मालूम नहीं कि वो अस्पताल की ज़मीन है कि नहीं है, अगर थी तो वो पहले क्यों नहीं शासन ने बताया कि ये अस्पताल की ज़मीन है, पट्टे क्यों दिए। और आज यहाँ हम लोग आए हैं तो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, कलेक्टर साहब का कहना है कि नियम में आएंगे तो गिरा दिए जाएंगे। अरे नियम पहले नहीं आपको मालूम था कि ये मकान यहाँ अस्पताल की ज़मीन में हम क्यों बनवाने दे रहे हैं? आज अस्पताल की जमीन और भी आजू बाजू में खाली पड़ी हुई है, उस खाली पड़ी जमीन का उपयोग नहीं कर रहे। जहां गरीब जनता रह रही है उस गरीब जनता को हटाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा मौका आ रहा है तो 17-18 एकड़ जमीन अभी खाली और पड़ी है वहां पर, उस जमीन का सर्वे करवा के वहां जो अस्पताल का विस्तार होना वहां करवाएं। गरीब लोगों को भगा रहे हैं, वहीं कुटीर भी स्वीकृत करके दी है। अब ये शासन क्या कर रही है कि एक तरफ ही कुटीर दे रही है, पट्टा भी दे रही है, दूसरी तरफ कह रही है शासन की जमीन है, अस्पताल की जमीन है, इसको खाली करवाना है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर विचार नहीं कर रही है शासन। अगर ये गरीब आदमियों के साथ शासन अन्याय कर रही है तो हम समस्त गरीब परिवारों के लोग हैं और हम लोग सब धरने पर बैठेंगे और जब तक धरने पर बैठे रहेंगे, जब तक कलेक्टर साहब वहाँ हम लोगों को जमीन आबादी घोषित नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री जी जब वहाँ आएंगे तभी वहाँ का अनशन समाप्त करेंगे। मैं शैलेंद्र राजपूत और ये सभी लोग अयोध्या बस्ती गौरीशंकर वार्ड हटा से आए हुए हैं। क्योंकि 22/1 और 22/4 आज से 2002-2003 जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी तब ये अयोध्या बस्ती घोषित की गई थी और इसके नाम पर करोड़ों रुपए वहाँ पे आए हैं जो विकास में लगाए गए हैं, विकास कार्य में। वहाँ पे सभी लोग नल टैक्स, मकान टैक्स,
और जो समय कर जो सुविधा रोडें हुई है, बनी हुई हैं, ये सब शासन के द्वारा ही दिया गया और आज उसे ही तोड़ने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये सब राजनीतिक प्रेशर के कारण हो रहा है। जो राजनीतिक लोग हैं वो हम लोगों को हटाना चाहते हैं और हम सभी लोग एक साथ हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाओ। एचडीएफसी बैंक के रिकवरी एजेंट जब आ रहे थे तो बीच रास्ते में ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, चार लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि एचडीएफसी बैंक के रिकवरी अधिकारी अंचल खरे एवं अन्य व्यक्ति आ रहे थे, बीच रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए टक्कर मारी गई, काफी गंभीर स्थिति में घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह ठाकुर। जो एक्सीडेंट हुआ उनका? छोटे भाई जिया जी के, लक्ष्मण सिंह ठाकुर। कितने जन घायल हैं? चार लोग घायल हैं। नाम का क्या कहा? लक्ष्मण सिंह ठाकुर और अंचल खरे, और दो लोग और साथ वाले हैं, एचडीएफसी बैंक कर्मचारी हैं। इन लोग को लोहारी के पास में ट्रैक्टर से टक्कर मार दी है। आपको कैसे जानकारी मिली? जिया जी ने कॉल किया, बताया मुझे। कहीं के लिए गए थे जी? ये एचडीएफसी बैंक से रिकवरी एजेंट हैं, तो वहाँ हटा फील्ड पर गए थे। कैसे हुई टक्कर? ट्रैक्टर से हुई है। ये लोग कैसे थे? ये बाइक से थे। कहाँ गए थे? ये हटा गए थे। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाओ। ग्राम भदौली से एक मामला सामने आया है जहां पर पति पत्नी में विवाद हुआ। बताया जाता है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर हमला किया गया, पति के द्वारा पत्नी से मारपीट की गई। दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पीड़ित परिवार के एक मासूम बेटे के द्वारा संपूर्ण मामले की सच्चाई सामने लाई गई। उसका कहना कि माँ घर पर नहीं रहती, शाम के समय जब आती है तो दोनों समय बच्चों की पिटाई करती है, खाना नहीं बनाती। क्या नाम बच्चे? खूबचंद। क्या हो गया? मम्मी मारती है रोज, ना रोटी बनाती ना कुछ, रोज भी मारती हैं और ना बनाती हैं, रोज बाजार जाती हैं और आके भी मारती हैं। आज क्या हुआ तुम्हारे पापा और मम्मी का? आज मम्मी ने हसिया मार दिया पापा को, गिलाफ से पहने थे ना, तो पूरा फट जाता। कहाँ के रहने वाले हो? भदौली। उसकी पत्नी के द्वारा उसे झूठे मामले में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शराब के केस में फंसवाना चाहती कोई पवन बेदवलिया करके है, उसकी शराब की ठेकेदारी है और एक आदमी और है महेश पटेल जो मेरा साड़ू भाई है, ये लोग मिल गया तो मुझे मानना चाहते हैं या शराब में फंसाना चाहते हैं। कौन है जी आपको? कौन? ये मेरी पत्नी है। क्या नाम उनका? लेकिन ये बोलती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऐसी जगह गड़वाऊँगी कि मिलोगे नहीं। क्या नाम है पत्नी का? मोहनी। आपका? घनश्याम पटेल। कहाँ की रहने वाली? इसके पिताजी ने भी मुझे धमकी दी है कि तुम अपने गांव में नहीं रह पाओगे, तुम्हारे माँ बाप सबको उठवा लूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा। आपका क्या नाम है? घनश्याम पटेल। रहने वाली कहाँ की? भदौली। 17 साल हो चुके हैं इसकी यही हरकतें हैं, इसके माँ बाप कभी सुनते नहीं हैं और अपन सुनाओ तो अपना ही क्वालिटी सुनाते हैं। वो बोल रहे हैं आपने कुल्हाड़ी मारेंगे? नहीं, बच्चे हैं ना सामने, आप इनसे पूछो। महिला क्या कहती है ये भी हम आपको सुना देते हैं। क्या नाम है भाई आपको? हम भाई गए थे इसमें जाके, मोहनी पटेल। क्या हो गया? हम भाई गए थे बाजार से 9 बजे बेच के, सो रहे थे, सो हमें मार और के भागो थे। कौन ने मारा? पति ने। क्या नाम है उनका? घनश्याम पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? भदौली के। कारण क्या है?
कुछ तो कारण होगा जब मार रहे भगा रहे हैं केस लगो और कह रहे थे से भगो सबको टेरो हमने अब सबने कैमरा लगा ला पूरी जनों ने कह रहे मारन दे कैसे मारा मार रहे थे वे कुलर गया था ऐसे वही वही कुलर गया उन्होंने लिए चाहे हम आना नहीं मारती बच्चे भी बोल रहे वो कि नहीं मम्मी मारती हम लोगों जब अच्छी दवा रहे में कह रही छह सात दिन से कहा भी नहीं दे रहे ने बना दे रहे ने कान दे रहे कह रहे हमारे कहा ने वहां बना बाजार को बेच के कहा भी रहे फिर भी मार उनने रिपोर्ट भी जारी है पहले एक आध बार आपकी हमारा केस पहले से जिस तरह से बच्चे ने इस संपूर्ण मामले में राज खोला है ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस मामले में कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया लकी डीसी न्यूज दबाव। आजनी में रहने वाले एक युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। अज्ञात कारणों से युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया। युवक अत्यधिक शराब भी पिए है। युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित की मां के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है भाई आपका? हमारा कैलाश रानी। उनका? उनका सुरेंद्र। क्या पी ली? आखिरी की दवाई। कहाँ से आए हो? हम आंजनी से। वो आपके कौन है? लड़का है। काय पे हो पी ली? कोई पता ही नहीं है काय पे हो। सवेरे से फिरत रहा फिर मैच आज देखा। हाँ शराब भी पी गए हैं। बहरहाल युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया लकी डीसी न्यूज दबाव। दरागोदा तीर्थ पथरिया में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े पंचकल्याण गजत महोत्सव में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर का ध्वजारोहण कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसमें 300 से अधिक पिछीधारी जैन संतों का समागम होगा। पिछले वर्ष जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में भव्य पंचकल्याण गजत महोत्सव हुआ था। उसी तर्ज पर दरागोदा तीर्थ पथरिया में पंच कल्याणक एवं गजत महोत्सव संपन्न होगा। इस संबंध में आज मुनि बेसंत सागर जी महाराज के द्वारा पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संपूर्ण आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उनका कहना है कि इस लगभग 100 एकड़ में यह संपूर्ण आयोजन होगा। उनके द्वारा बताया गया कि यहां बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। धार्मिक कार्यक्रम के अलावा यहां पर लगभग 1000 से अधिक बच्चों के लिए विशाल गुरुकुल का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। तीर्थ धर्म ध्यान स्थल बनकर तैयार हो रहा है। उस तीर्थ में गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने जन्म लिया है पथरिया में और पूरे संघ ने प्रेरणा दी सानिध्य दिया और बहुत सुंदर तरीके से कमल मंदिर के आकार में बहुत सुंदर रचना गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने का अवसर मिला है जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य होगा। अक्सर पंचगणक 5 और 6 दिन में समाप्त हो जाते हैं, ज्यादा हुआ तो 8 दिन में। लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 15 दिन का क्या आयोजन है, क्योंकि ये आयोजन एक आयोजन नहीं है, इसमें 4-5 आयोजन एक साथ समाविष्ट किया गया है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज जो आज से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे उस समय साधु सम्मेलन होता था, जैसे अभी महाकुंभ होता है हिंदुओं में ऐसे ही साधुओं का भी बहुत बड़ा महाकुंभ होता था जिसे कहते थे चातुर्मास और युग प्रतिक्रमण। 5 साल में एक बार साधु मिलते थे और मिलकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, कुछ पुराने साधु नए साधु को सिखा। संजय सरवरिया लकी डीसी न्यूज दबाव। नए साल के शुरू होते ही प्रतिवर्ष अल्लाहू कार्यक्रम स्थानीय पठानी मोहल्ले में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष फुटेरा मोहल्ले में नए वर्ष के मौके पर अल्लाहू का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसमें स्थानीय बच्चे और दुरूद पढ़ने वाले हिस्सा लेते हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मौजूदगी देखी गई। इम्तियाज चिश्ती दमोह। दाई दाई
बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ये कई सालों से चल रहा है, ये अमन और चयन दुआ की जाती है और ये करीबन 82 साल से चल रहा है। हमारे पुराने मास्टर समृद्धि दानदार और हाजी मास्टर इमामुद्दीन साहब, बाबा डॉक्टर शरीफ खान, छोटे भाई छोटे दुआओं से ये अंजाऊ का कार्यक्रम होता है और हर साल ये अंजाऊ का कार्यक्रम किया जाता है। सागर जिले के रहली में वन विभाग के अमले की मुस्तैदी के कारण सागवान तस्करों के मंसूबे पर पानी फिर गया। तेज ठंड और घने कोहरे की लाद लेकर सागवान की तस्करी करने वाले तस्कर वन अमले के चक्रव्यूह को तोड़ने में नाकाम रहे। सागवान से भरे वाहन को छोड़कर वह रफू चक्कर हो गए। मुखबिर के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई थी। पिकअप वाहन से सागवान की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुबह 4 बजे रहली गौर झामर की टीमों के द्वारा चांदपुर ग्राम में योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की गई। वन अमले के चक्रव्यूह को तोड़ने में सागवान तस्कर कामयाब नहीं रहे। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 40,000 रुपये बताई जा रही है। वाहन का नंबर MP15G3250 है, जो कि राहुल राजपूत निवासी सेमा ढाना जैसी नगर का बताया जा रहा है। आज सुबह 4 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप वाहन से वाहन क्रमांक MP15G3250 से अवैध परिवहन किया जा रहा है। जिस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी तो वन परिक्षेत्र अधिकारी ढाना गौर झामर के स्टाफ के सहयोग से घेराबंदी की गई उक्त वाहन की। तो वाहन चालक चांदपुर PW रोड के बाजू से वाहन खड़ा करके भाग गया, जिसकी हम लोगों ने तलाशी दी तो उसमें 11 नंग अवैध लकड़ी के लट्ठे पाए गए, जिन जो विधिवत जब्ती की कार्रवाई की गई और वाहन को रहली लाया गया, अपराध पंजीबद्ध किया। रहली से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शीतलहर के चलते जन सुनवाई रही फीकी। बरागुदय महामहोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से। पति पत्नी में विवाद, बच्चे ने खोला राज। अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में 5 घायल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।